so many pieces all back together now. What's your vision? So, आज का जो लुक है ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है और मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट वाला लुक है ये, क्योंकि ये है पर्सनल इंडियन गर्ल मेकअप लुक, मतलब फुल ऑफ इंडियन गर्ल जो होती है उसका लुक है ये, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है और हम गर्ल्स को सिर्फ मौका चाहिए मेकअप करने का एंड रेडी होने का, तो उसके लिए परफेक्ट लुक है ये, क्योंकि नवरात्रि जो है वो 9 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, तो उसके लिए हमें रेगुलर और मतलब 9 दिन तक न्यू मेकअप करना अच्छा लगता है और हर गर्ल को पसंद भी होता है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये लुक क्रिएट करा है और मेरा पर्सनली ये वाला लुक बहुत ज्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। एंड अगर आपको भी मेरा ये लुक पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एंड देखिएगा कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट करा है। और अगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर का बटन है उसको आपको टच करना है बस एंड चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, उसके बाद एक छोटी सी बेल बन कराएगा आप उसको भी टच कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी लाइफ में कोई भी वीडियो डालू आगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपने फेस पर लाऊंगी एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर और मॉइस्चराइजर और इसे अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूंगी अच्छे से, ताकि इससे मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। उसके बाद मैं फ्रेंड्स कंसीलर के लिए यूज करूंगी ओलिविया का पैन स्टिक कंसीलर, इसका मैंने फुल रिव्यू किया, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आई बटन पे डाल दूंगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है एंड आपकी कोई भी अगर पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट है उसको तो अच्छे से हाइड कर देता है ये, और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्लोरिना फाउंडेशन और इसको मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी छोटे छोटे डॉट्स बनाकर। अब मैं अपने कंसीलर को बेक करने के लिए और फाउंडेशन को बेक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वाइट टोन का पाउडर, आईब्रो को फिल करूंगी, जो भी मेरे आईब्रोज की नेचुरल शेप है मैं उसी को फॉलो करते हुए अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। अब मैं अपने आई पे से जो मैंने पाउडर लगाया था उसको रिमूव कर रही हूँ। अब मैं अपने आई शेडो पैलेट में से एक लाइट ब्राउन कलर लेके उसको एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर रही हूँ और उसको सिर्फ राउंड मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं ब्लैक कलर लेके अपने आउटर व्यू पर प्लेस करूंगी, बस प्लेस करूंगी और उसको आगे स्मच करूंगी ताकि मेरे को एक अच्छा सा स्मोकी इफेक्ट मिले और इसे को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं ये रेड कलर ले रही हूँ और सिर्फ अपने जो लिड एरिया होता है उस पर अप्लाई कर रही हूँ, मैं इसको फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ ताकि ज्यादा कलर आए और फिर उसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँ ताकि ब्लैक कलर और ये जो रेड कलर है आपस में मिक्स हो जाए, अब कुछ भी अनमैच ना लगे। अब मैं बेकिंग के लिए जो मैंने पाउडर लगाया था वो उसको एक ब्रश की हेल्प से रिमूव कर रही हूँ। अब मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ अपनी हिमालय की काजल, ये काफ़ी ज़्यादा ब्लैक और थिक काजल है पर ये वाटरप्रूफ नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी काजल है ये, एकदम अप्लाई हो जाती है, तो पहले मैं इससे अपनी आईज़ को टाइट लाइन करूँगी एंड उसके बाद इसको थिक वे में लगा लूँगी, फिर एक एप्लीकेटर की हेल्प से मैं अपनी लोअर लैश लाइन को हल्का हल्का स्मच कर रही हूँ। उसके बाद मैं लाइनर लगाऊंगी, एक विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी, काफ़ी थिन, ज़्यादा बोल्ड लाइनर ड्रॉ नहीं करूंगी। फ्रेंड्स, लाइनर लगाने से हमारी जो आईज होती हैं वो ज़्यादा डिफाइंड लगती हैं और एकदम ओपन और बिग लगती हैं, तो मैं इसे मैंने एक विंग लाइनर ड्रॉ कर लिया। मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ अपने एसेंस का मस्कारा, इससे मैं अपनी लोअर लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे को लोअर लैशेस को कर्ल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे आईज़ को एक अच्छा लुक मिलता है और लैशेस जो हैं वो एकदम ओपन लगती हैं। फॉल्सेस मैंने लगा लिए हैं पहले ही ऑफ कैमरा। फ्रेंड्स, ये मस्कारा भी बहुत ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ अपना ब्लू हेवन का ब्लश और इसका मैंने फुल रिव्यू और डेमो कर रखा है और इसका प्राइस जस्ट 20 रुपीज़ है। उसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ अपना मेकअप रेवोल्यूशन का, देख सकते हैं कि एक ही स्ट्रोक में कितनी अच्छी फिनिश दे रहा है ये।
और इससे मैं अपने चीक्स को, नोज को, क्यूपिड बो को हाईलाइट कर लूँगी और अपने आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। अब फ्रेंड्स मैं लिपस्टिक लिए यूज़ कर रही हूँ रेड कलर की सेवन हेवन की लिपस्टिक और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा रेड कलर है, पर ये मैट नहीं है, शिमरी है ये, बस की फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और बस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं अपने हेयर्स को ओपन करके साइड में कर रही हूँ और ट्रेडिशनल झुमकी जो होती है वो पहन रही हूँ और एक सिंपल बिंदी है वो अप्लाई कर रही हूँ। फाइनल लुक, आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आ रहा होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेड कलर के बटन को प्रेस कर एंड उसके बाद एक छोटी सी बेल बन कराई उसको भी टच कर दीजिएगा ताकि मैं आगे अपनी कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।